शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरु जी एवरीवन जय गुरु जी तो बोलो यार मैं पिछले दो तीन बारी से यहाँ आ नहीं रहा मुझे पता काफ़ी लोग खुश थे लेकिन उसका रीज़न लास्ट वीक एक्चुअली लाइफ में कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि आपका टोटल पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है लाइफ का एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू मी लास्ट वीक मैं लास्ट वेंसडे को अराउंड 10:30 AM मैं नॉर्थ ब्रंसविक कॉस्को के बाहर अपनी कॉल पे था फ़ोन के ऊपर इन माय कार एंड आई स्टार्टेड फीलिंग लॉट ऑफ प्रेशर इन माय चेस्ट मैंने सोचा ऐसे ही कुछ होगा आई जस्ट हैड अ बेगल आई यूजली डोंट ईट बेगल तो बट वो कहीं जा नहीं रहा था मतलब दर्द जो था वो एक्चुअली यहाँ पे डॉक्टर आंटी भी आई हैं इनको कुछ ज़्यादा पता होगा मेडिकल का दर्द जा नहीं रहा था तो मैंने वॉक करना शुरू कर दिया मैंने कहा शायद थोड़ा बहुत ऐसे ही होगा कुछ लेकिन एक्चुअली फिर मैंने कहा मुझे कॉस्को से कुछ लेना है तो मैं कॉल पे था मैंने कॉल बंद करी मैंने कहा आई जस्ट कैन नॉट टॉक राइट नाउ सो लेट मी क्लोज द कॉल कॉस्को के अंदर गया दो या तीन आयल चलाऊंगा तीसरी आयल में था मेरे ख्याल में तो द पेन वॉज सो सीवियर दैट आई फेल ऑन द ग्राउंड आई वॉज स्वेटिंग एंड मतलब काफ़ी बुरा था उसके मैंने वहाँ पे एकदम सामने मेरे कॉस्को के दो एम्प्लॉयज़ वन ऑफ देम वॉज द जनरल मैनेजर ही वॉज आई डोंट नो ही वॉज अ जनरल मैनेजर बट ही वॉज देयर तो मैंने उसको इशारे से बुलाया और बोला कि 911 को कॉल करो राइट तो लेकिन मेरे को मतलब मैं जमीन पे था एकदम लेटा हुआ तो एट दैट स्टेज आई डोंट नो कहाँ से क्या हुआ आई स्टार्टेड मंत्र ओम नमः शिवाय कहाँ से अपने आप शुरू हो गया मेरा ओम नमः शिवाय गुरु जी का मंत्र मैंने ऊँचा ऊँचा बोलना शुरू कर दिया एंड पता नहीं कहाँ से एक मिनट में दो मिनट में कोई इंडियन गर्ल थी अबाउट इन हर 30s एंड शी जस्ट केम एंड से आई एम द फिजिशियन असिस्टेंट एंड शी केम एंड शी आज दोज पीपल उन लोगों को जो कॉस्को वाले थे कि एस्प्रिन है आपके पास तो उसने मुझे एस्प्रिन दी और साथ में थोड़ा पानी दिया लेकिन दर्द बहुत था ज़मीन पे था मैं मतलब इट वॉज रियली अनबेरेबल सीवियर उस टाइम पे कुछ सूझ नहीं रहा था ऑब्वियसली मैं मंत्र जाप में तब भी करी जा रहा था एंड फ्रेंड ऑफ माइन इज़ ए कार्डियोलॉजिस्ट तो मैंने उनको सेल पे उनके कॉल किया और मैंने बोला कि भाई ये हो रहा है हम पंजाबी में बात करते हैं तो मैंने कहा भाजी समथिंग इज़ हैपनिंग हियर एंड ही सेज आई थिंक यू आर हैविंग अगर प्रेशर है तो आई थिंक यू आर हैविंग ए हार्ट अटैक तो इतनी देर में मतलब अगेन ही वॉज ऑन द कॉल इतनी देर में एम्बुलेंस आ गई एंड दोज गाइज वर टेकिंग मी आउट राइट ऑन द स्ट्रेचर अगेन आई वॉज इन सीवियर पेन एंड बट मैंने मंत्र जाप नहीं छोड़ा पता नहीं क्यों मुझे नहीं पता बट मंत्र जाप चली जा रहा था मेरा अब आप इमेजिन कीजिए कि मैं स्ट्रेचर के ऊपर हूँ मंत्र जाप कर रहा हूँ और मैं बाहर कॉस्को से निकलता हूँ आगे एम्बुलेंस खड़ी है और एम्बुलेंस खड़ी है एम्बुलेंस के ऊपर बड़ा बड़ा 7 लिखा हुआ 7 ओके तो वही मैं देख के ही मैं एकदम जैसे मेरी आंखों में से आंसू शुरू हो गए ठीक है अब वो मुझे अंदर ले गए मतलब एम्बुलेंस में
एम्बुलेंस में उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन मेरे को दिया जीप के नीचे रखने के लिए एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ एंड मेरा फ्रेंड जो कार्डियोलॉजिस्ट था ही वाज ऑन द कॉल एंड वी वर यू नो ईकेजीज वर गोइंग बैक एंड फोर्थ एंड ऑल दैट यू नो दे वर सेंडिंग इट थ्रू ईमेल्स और व्हाटएवर ट्रांसपोर्टिंग आई वाज गोइंग टू रॉबर्टवुड जॉनसन तो बीच का मैं कुछ मैं उसको क्या कहते हैं एडिट करूँगा जो कि मैं सबको नहीं बताना चाहता जो क्या हुआ लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ईआर में पहुँचा मैं तो ईआर में 20-25 लोग आंटी को तो पता है 20-25 लोग सारे मेरे ऊपर छोड़ गए कोई मेरे को यहाँ पोक कर रहा है कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है राइट तो ये मेरे को एंजियोग्राम उन्होंने यहाँ पर कैथेटराइजेशन एंड कार्डियोलॉजिस्ट आए वहाँ पर कोई और मुझे बोला कि यू आर हैविंग ए मैसिव हार्ट अटैक राइट नाउ ओके तो अब आप सोच रहे होंगे मैं कैसे खड़ा हूँ यहाँ पर अगर मुझे पिछले वेंसडे को मैसिव हार्ट अटैक हुआ है ओके अब आप खुद ख्याल आ सकते हैं कि अगर कोई आपको बोले कि आप मैसिव हार्ट अटैक हो रहा है और आपका दिमाग में क्या चलेगा राइट लेकिन समहाउ मेरा वो जो मंत्र जाप था चली जा रहा था आई डोंट नो हाउ बट इट वाज गोइंग ऑन ओके अबाउट 12 मिनट के बाद 12-15 मिनट के बाद वही कार्डियोलॉजिस्ट वापस आए और मुझे बोलते सर वट एवर इट वॉज इट हैज बिन रिजॉल्व इट सेल्फ ओके मतलब के जो कुछ था वो अपने आप रिजॉल्व हो गया उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी कोई स्टेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी कोई किसी चीज की उनको करने की जरूरत नहीं पड़ी एंड EKGs even you still look at it right now EKGs are still showing that I had a massive heart attack okay so ab auntie maybe can put some more uske upar troponin I think troponin is the blood test that tells you ke aapka correct me if I'm wrong auntie tells you that aapka हार्ट कितना डैमेज हुआ है राइट यूजली वो होता है थाउजेंड्स में नंबर आते हैं एम आई करेक्ट आंटी मेरा नंबर क्या आया 43.7 सो नो हार्ट डैमेज एट ऑल एंड खुद आके बोल रहा है मैंने पूछा मुझे बताओ सही हुआ क्या बोलता यू हैड एंड आई शोड टू माय फ्रेंड्स टू जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं EKG स्टिल शोइंग ऑब्वियसली आई हैड हार्ट अटैक बिकॉज आई वॉज इन सीवियर पेन राइट एंड उसके बाद मुझे ICU ले जाते हैं मेरे ICU का रूम नंबर इज 7 तो आई स्टेड देयर फॉर अ डे इन ICU एंड देन वन डे इन रेगुलर रूम And I'm here in front of you. I did not come for two times, but I'm here in front of you. So, मेरे दो messages हैं. Actual messages तो बहुत हैं. First of all, मेरी life का जो perspective है change हो गया क्योंकि I would have been on the other side, and आप शायद लंगर कर रहे होते मेरे किसी उसका. But एक तो ये मंत्र जाप जो है, it works. It works not just because अभी मेरे साथ जो हुआ अभी मेरे साथ similar thing happened beginning of the year. I had a stomach issue, I had a severe pain. I went to RJW. They cut my stomach totally. I think most of you know. Found nothing. Okay, so even then I was doing the same thing. So one message, it does work. Trust in him, it does work. Second,
जो मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ, डोंट बी ए हीरो. अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ होती है, डोंट से कि मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, कॉल एन एम्बुलेंस, दैट वर्क्स टू, बिकॉज दे हैव द इक्विपमेंट, दे हैव ऑल द थिंग्स दैट दे यू नीड. सो दैट्स माय सत्संग टुडे. जय गुरु जी. शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा.